नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक्निकल ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ HTC Desire 5 to 6G+ में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स का मैं कवर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। सो लेट अस स्टार्ट विथ फुल एनर्जी एंड फुल एंथुसियाज्म। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि HTC Desire में फ्लैश करते टाइम जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती होगी उसका मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, आप जितने भी सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे आपको वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं टॉपिक उठाता हूँ कि अगर आप कस्टम रोम डाल रहे हो, ठीक है, तो कस्टम रोम आप कैसे डालोगे, इसी से मैं आपको सारा एक दूसरे से मैं लिंक कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मान लो आपने कस्टम रोम डालने के लिए क्या करोगे वो बताओ मुझे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको उसमें TWRP फ्लैश करना पड़ेगा, ठीक है। तो TWRP फ्लैश करने के लिए मैंने एक वीडियो पहले से बना रखा है इस टॉपिक पे, तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हो कि कस्टम रोम या फिर TWRP कैसे फ्लैश करते हैं, तो उसकी लिंक मैं आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसको वहां से सिंपली जाके देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब बात रही कि TWRP फ्लैश कैसे करें अपने फ़ोन में, ठीक है। तो दोस्तों, TWRP फ्लैश करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को फॉलो करो, आपका जो TWRP वो 100% फ्लैश हो जाएगा। मैं बात करने वाला हूँ कि जिनका नहीं हो रहा TWRP फ्लैश, उस वो क्या करें। तो फ्रेंड्स, उनके लिए एक सॉल्यूशन है कि वो फ्लैश क्यों नहीं हो रहा। मान लो आपका ब्रॉम एरर आ रहा है, 3005 एरर आ रहा है आपके सिस्टम में जब भी आप TWRP को फ्लैश करते हो, तो ठीक है, तो मान लो वो एरर आया, तो अब आप क्या करोगे। तो फ्रेंड्स, करना आपको ये है कि आपको सबसे पहले अपने डिवाइस के लिए ड्राइवर्स इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने लैपटॉप में, और उससे रिलेटेड जो MediaTek का प्रोसेसर का जो होता है ड्राइवर, MediaTek ड्राइवर, वो भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा HTC फ्लैश टूल के लिए, जिससे आप फ्लैश करोगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक तो रही बात वो कि आपके फ़ोन के लिए ड्राइवर होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि आपके जो सिस्टम के लिए MediaTek प्रोसेसर के लिए ड्राइवर होना चाहिए अपने लैपटॉप में, तभी जो है वो आप सक्सेसफुली फ्लैश कर पाओगे, चाहे कोई सा भी लैपटॉप रहे, लैपटॉप कंप्यूटर PC कुछ भी रहे। तो दोस्तों, अगर हमने TWRP फ्लैश कर लिया अपने फ़ोन में, तो अब बात आती है इसके रूटिंग प्रोसेस, ठीक है फ्रेंड्स। तो रूट करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो आपने TWRP फ्लैश करने के बाद रूट कर सकते हो, और दूसरा तरीका होता है कि आप किंग रूट या फिर किंगो रूट अपने PC में इंस्टॉल करके उसको रूट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, किंगो रूट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए, उसके जरिए आप किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस को रूट कर सकते हो भाई वन क्लिक में, ठीक है फ्रेंड्स। तो किंगो रूट से आप रूट कर सकते हो, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस अपने सिस्टम में कनेक्ट करो और फिर स्टार्ट रूट पर क्लिक करोगे, तो जैसे ही आप स्टार्ट रूट पर क्लिक करोगे आपका फ़ोन का जो रूटिंग प्रोसेस है वो इंस्टॉल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, एक बात आप याद रखें कि आपके जो मोबाइल में है वो USB डिबगिंग ऑन होना चाहिए जब भी आप TWRP फ्लैश करोगे अपने फ़ोन में, तो ठीक है फ्रेंड्स। और रही बात स्टॉक रोम की, तो उसमें भी मैं अभी आता हूँ, पहले मैं रूटिंग का प्रोसेस बता देता हूँ आपको। तो आपको तो मैंने बता दिया कि किंगो रूट और सॉफ्टवेयर होता है, उससे आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करो, USB डिबगिंग ऑन करो, और आपका जो फ़ोन है वो रूट होना स्टार्ट हो जाएगा। एक तो रहा ये, और एक है आप अपने फ़ोन में किंग रूट नाम का एक एप्लीकेशन है उसका वर्जन 15.0.1 ये आप इंस्टॉल करना अपने फ़ोन में, तभी जो है आपका फ़ोन जो अच्छे से रूट हो पाएगा और 100% वर्क करेगा। तो फ्रेंड, इन सब की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहीं से सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो रही रूटिंग की बात, और रूटिंग का एक तरीके से और कर सकते हो, TWRP फ्लैश करने के बाद su.zip मतलब सुपर यूजर .zip फाइल एक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप इंस्टॉल कर लो। TWRP इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल प्रोसेस में जाना, ये तो पता होगा आपको, नहीं पता तो बता देता हूँ। इंस्टॉल में जाना और फिर जीप फाइल सेलेक्ट करके देन वहाँ पे सब्सक्राइब टू इंस्टॉल। तो जैसे ही आप ये करते हो तो आपका जो रूट है वो 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं स्टॉक रोम की। तो फ्रेंड्स, स्टॉक रोम फ्लैश करने के लिए आपको जैसा कि आप TWRP फ्लैश करोगे जो मेथड से, वही मेथड सेम टू सेम स्टॉक रोम फ्लैश करने का भी है। तो मैंने फ्रेंड्स इससे रिलेटेड एक वीडियो बना रखा है जिसपे कई लोगों ने 6-7 हज़ार लोगों ने उसको देखा है और उस पर बहुत अच्छे रिस्पॉन्स भी आया है, लेकिन कई लोग का प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो वो जब रोम फ्लैश करते हैं तो उसका एरर आता है, ब्रॉम एरर आता है। तो ब्रॉम एरर को फिक्स करने का वही तरीका, आप डाटा केबल चेंज करो अपना, या फिर आप ड्राइवर अगर आपने सही से इंस्टॉल नहीं करा है तो उसको इंस्टॉल कर लो। अगर आपने ड्राइवर इंस्टॉल कर लिया है फिर भी वो एरर आ रहा है, तो आप सिंपल सा कर सकते हो कि जो आपने ड्राइवर इंस्टॉल करा है उसको सबसे पहले आप अनइंस्टॉल करो, फिर से आप ड्राइवर को इंस्टॉल करो, देन अपने PC को रीस्टार्ट करो, फिर आपका जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स वो 100% सॉल्व हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स मैं आपको रामबाण बताने वाला हूँ, और किसी से भी आपका अगर नहीं हुआ, ऐसे फ्लैश टूल्स कर लिया आपने, ड्राइवर भी कर लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन आपका जो स्टॉक रैम है वो फ्लैश नहीं हुआ, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, एक सॉफ्टवेयर आता है बेसिकली क्रैक्ड वर्जन है वो मिरेकल बॉक्स का, तो उसको आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करो। उसकी भी मैंने एक वीडियो बना रखी कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो, उसका बेसिकली मैंने प्रॉपर ट्यूटोरियल बनाया कि हाउ टू यूज मिरेकल बॉक्स। फ्रेंड्स मिरेकल बॉक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि फ़ोन में जितने भी आने वाले प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व कर देता है। तो फ्रेंड्स इसकी ट्यूटोरियल आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, ठीक है, आपको ज़रूर समझ में आने वाला है। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ सिंपली उसको जाके देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आप सबके लिए ऐसे ही